नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है रैपिड इंजीनियरिंग में। टुडे डिस्कस बार्क एग्ज़ाम। आज बार्क एग्ज़ाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे 2019, जो मार्च में होने वाला है, 9 और 11 मार्च को। और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पैटर्न पैटर्न, सिलेबस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, मार्क्स, नंबर ऑफ़ नेगेटिव मार्क्स, ड्यूरेशन और कट ऑफ। मतलब यहाँ पूरा डिस्कशन होगा बार के एग्ज़ाम के बारे में। और ये इसका एग्ज़ाम क्वेश्चन तो किसी को मिलता नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन होता है और ये शेयर भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे है कुछ क्वेश्चन, मैं बताऊँगा कैसे आता है पैटर्न। यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। ओके, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा आसानी से। ओके, थैंक यू गाइस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, देखिए पैटर्न क्या है। पैटर्न इसमें क्या हो सकता है, पैटर्न जो कि इसका ESC लेवल का पैटर्न नहीं होता है इसका। इसमें क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, इसमें वर्चुअल कैलकुलेटर देने का मतलब है गेट पैटर्न। इसका गेट पैटर्न है, गेट पैटर्न मतलब गेट टाइप क्वेश्चन। और गेट टाइप क्वेश्चन आने का मतलब हो गया न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आने का मतलब है आपका गेट से रिपीट होते क्वेश्चन, यानी गेट से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। और मतलब आपको अच्छे गेट से रिपीटेड क्वेश्चन मिले, इसलिए गेट का क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोग एक बार और लगा लीजिए आपका बार का एग्जाम देने से पहले। और न्यूमेरिकल मोस्टली क्वेश्चन आते हैं और थ्योरेटिकल भी आते हैं, लाइक एज ए ESC के जो पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं ना, उस टाइप के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑनलाइनर जैसे गेट में भी आता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है आगे सिलेबस में क्या है। सिलेबस की बात करें तो गेट सिलेबस होगा। और गेट सिलेबस में क्या आता है, गेट सिलेबस में आपका आता है टेक्निकल होगा प्लस मैथमेटिक्स होता है। टेक्निकल में जैसे सिविल का हो गया, सिविल की बात करें तो सिविल के लिए सोम हो गया, सॉइल हो गया, इनवायरो हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, सर्वे और जितनी भी है, स्टील, स्ट्रक्चर, RCC, ये सारे सिलेबस आते हैं। मैथमेटिक्स में क्या होगा, मैथमेटिक्स जो गेट का सिलेबस है, लाइक एज मैट्रिक्स हो गया, कैलकुलस हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये तीन तो इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन हो गया, ये सब सब आता है। ठीक है, ये गेट सिलेबस हो गया आपका। ओके, आगे चलिए देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना बार्क में पूछता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसमें बार्क में होता है 100 क्वेश्चन होते हैं और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स को होते हैं। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 100 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 3, यानी 300 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 300 मार्क्स का मतलब होता है टोटल क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन 3 मार्क्स, 300 मार्क्स का। ओके, आगे देखते हैं आगे निगेटिव मार्क कितना होता है। 1 मार्क्स का होता है निगेटिव मार्क, 1 क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, मतलब 1 क्वेश्चन रॉन्ग होने पर 1 मार्क्स डिडक्ट होगा आपके, जो भी आपका मार्क्स है उसमें से 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा जितने भी क्वेश्चन रॉन्ग आप अटेम्प्ट करेंगे। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है आगे। ड्यूरेशन क्या होगा, ड्यूरेशन ये वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरेशन 2 आवर्स, 2 आवर्स मतलब। अब गेट का देखिए, गेट में 65 क्वेश्चन होते हैं और 65 क्वेश्चन के मतलब 3 आवर होता है, बट इसमें 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है और 2 आवर का है। तो यानी जो क्वेश्चन आएगा गेट के लेवल का तो रहेगा, बट गेट के से ज़्यादा लेवल का नहीं रहेगा, गेट के नीचे लेवल का रहेगा। मतलब इजी क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेटिव होगा, न्यूमेरिकल टाइप का होगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट नहीं सोचना होगा, बट आपकी स्पीड और एक्यूरेसी यहाँ मेंटेन रखना पड़ेगा। ओके, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है और बार्क एग्जाम के लिए। ओके, आगे चलिए कट ऑफ कितना जाता है। कट ऑफ तो देखिए, कट ऑफ आप जाने का चांस है सिविल इंजीनियरिंग का 210 मार्क्स तक से 220 के बीच आप कट ऑफ जा सकते हैं, 200 भी मार्क्स का कट ऑफ जा सकता है बार के एग्जाम का। ओके, ये है कुछ सिलेबस और पैटर्न्स और कट ऑफ, यहाँ पे सारे क्यों हम डिस्कस कर लिए हैं। और आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट करिए और बताइए, क्या कमेंट, क्या आपको और नेक्स्ट वीडियो में चाहिए और के बार के बारे में, और कैसा कुछ और भी हो तो बताइए। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। सलूट टू इंडियन आर्मी। थैंक यू।